विधि से प्यार करता है ना, तो उसे जानने का हक है कि तेरे दिल में क्या है। भाई साहब जी, फूल दे देंगे, थोड़े से ज्यादा नहीं, एक बुके। हाँ हाँ दे दूंगा। कौन कौन से फूल चाहिए आपको? थैंक यू। पिंक और लाल को छोड़कर एक बुके बना दीजिए। सर क्या आपके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है? अगर कभी एक पल के लिए भी आपको मेरे लिए कुछ फील हुआ हो तो मुझे सिर्फ एक इशारा दे दीजिएगा सर। ये लीजिए। थैंक यू। कितना हुआ? 500 रुपए। वो रखिए। अरे साहब लेकिन ये तो। थैंक यू। टूट गई देव रायचंद और अंबा मेहता की सगाई। देव रायचंद ने अंबा मेहता के मुंह पर दे मारी हीरे की अंगूठी। मेहमानों के सामने गिड़गिड़ाई अंबा मेहता। जैसा कि आपने सुना कि देव रायचंद ने सगाई वाले दिन अंबा मेहता की सगाई इसलिए तोड़ दी क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने कहा। अब इसकी पल पल की अपडेट प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। कैमरामैन कुंदन सिंह के साथ मैं ओशी। सुना है देव रायचंद की सौतेली माँ ने तोड़वाई है ये सगाई। कहा था ना मैंने ये सब होने वाला है। अरे भाई साहब कहाँ चले गए? उन्हें देखना चाहिए था ये सब। और मम्मी जी प्लीज डोंट माइंड सेइंग मी दिस, लेकिन आपने कोई समझदारी का काम नहीं किया। देख लिया ना आपने, पूरे इंदौर में हमारा मजाक बनके रह गया है। अरे इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे आपका कोई वैलिड रीजन तो होगा ना? तो एज फैमिली मेंबर्स हमें वो जानने का हक है। मम्मी जी प्लीज प्लीज बताइए आपने ऐसा क्यों किया। जैसा कि आपने सुना कि देव रायचंद ने सगाई वाले दिन अंबा मेहता से सगाई इसलिए तोड़ दी क्योंकि उनकी सौतेली माँ ने कहा। अब देख लो अपने घर वालों को, सबके सामने हम मेहता का तमाशा बना के रख दिया है। अरे जब शादी करनी ही नहीं थी तो हाँ क्यों कहा? प्लीज बताइए ना आखिर हुआ क्या है। कम से कम चित्रा के बारे में तो सोचिए, वो बेचारी ना जाने वहां सबको क्या जवाब दे रही होगी। उसने तो मुझे साफ साफ बोल दिया अब वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। माँ अम्मा जी और विक्रम की भी कितनी इंसल्ट हुई है, आप कुछ तो बताइए ना माँ हुआ क्या है। सी जस्ट सी तुम्हारे माँ और भाई की करतूत, क्या हाल कर दिया है मासी का, हमारी रेपुटेशन का। चित्रा आज के बाद मेरा उस खानदान के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। खुद तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं आप, पूरा टाइम मुझे फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। प्रिया ये करना चाहिए, प्रिया वो करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, और खुद आप ये कर बैठी हैं। ये सोचा है आपने दूसरे के बारे में? और वैसे भी कौन सा बड़ा त्याग करने जा रहे थे भाई साहब? क्या बात कर रही हो तुम? अभिमन्यु प्लीज डोंट स्टॉप मी, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा कौन सा सूली पे चढ़ा रहे थे हम लोग उनको? I really don't understand। इस उम्र में कोई बॉलीवुड वाला प्यार तो होगा नहीं उनसे। कर लेते ना शादी, हो जाता प्यार व्यार बाद में। हम भी तो इतने सालों से कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं ना, आपने बिना सोचे समझे तीर छोड़ दिया और भुगतना हमें पड़ रहा है। प्रिया मम्मी जी आई डोंट नो आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन वी नीड अ वैलिड रीजन, आपको बताना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बारे में कोई भी सफाई देने की जरूरत है। और ये मत भूलो आज भी इस घर की बड़ी मैं हूं, तो इस लहजे में बात करने से पहले सोच लेना। और हां सौतेला ही सही, देव मेरा बेटा है, अपनी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होते मैं नहीं देख सकती। और अभी तुम विधि से कह के देव को अंबा के साथ शादी करने के लिए तैयार करने से पहले
देव भाई से पूछ लेना चाहिए था। और रही बात चित्रा की, तो उसे बचकानी जिद करने से पहले खुद सोचना चाहिए था। और अंबा जी, उनकी फीलिंग्स का, उनकी रेपुटेशन का क्या होगा मम्मी जी? चित्रा के जरिए अपनी जिद मनवाने से पहले उसे देव की मर्जी को जान लेना चाहिए था। जो अंबा से मिले, सॉरी, जो भी हुआ आज, जैसे भी हो, जिस तरीके से हुआ, सबके सामने हुआ, वो गलत हुआ और मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूं। अब मैंने इस सगाई के लिए हां की थी और उस हां की वजह से तुम्हें एक उम्मीद मिली थी, तो भी तुम जो फील कर रही हो बहुत करेक्ट है। तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, तुम्हें एक बिट्रेल की फीलिंग आ रही होगी, और वो बिल्कुल ठीक है। I'm sorry, अम्मा, मैं नहीं कर पाऊंगा। I'm really sorry, और उसी के लिए मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। लाइफ में कभी भी अगर मैं तुम्हारे अगर किसी चीज में काम आ सकूं तो प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं जरूर कुछ करना चाहूंगा जिससे तुम्हारी किसी भी तरीके की मदद हो सके। दिल से सॉरी अम्मा, सीरियसली आई होप तुम मुझे माफ कर पाओगे। चलता हूं। बच्चे, ध्यान रखो बच्चे। मैंने कभी नहीं चाहा था कि देव सर और अंबा मैम की सगाई से टूट जाए। मैं ऐसा चाह ही नहीं सकती। फिर ये सब क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि वो सगाई होनी नहीं थी। देव सर, क्योंकि वो रिश्ता झूठा था।
देव सर आप यहाँ इस वक्त? ये वो शर्ट, दीदी आज सगाई टूटने के बाद एहसास हुआ कि जितना झूठा मेरा और अंबा का रिश्ता था उतना ही बड़ा मेरी जिंदगी का एक सच जो आज मुझे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना बहुत जरूरी हो गया। कौन सा सच सर? तुम्हें इशारा चाहिए था। इशारा नहीं, मेरी सारी फीलिंग्स, मेरा सारा सच जानने का तुम्हें अधिकार है, क्योंकि ये सच तुमसे जुड़ा हुआ है। कौन सा सच? कहते हैं आपके सामने जो भी होता है आपकी मर्जी से होता है और जो भी होता है वो गलत नहीं होता, सही होता है, और मैं भी इसमें विश्वास रखता हूं। इसलिए आज आपके सामने यहां जो भी हुआ वो सही हुआ, आपकी मर्जी से हुआ। शायद आज आप मुझे मेरी गलती का एहसास दिला रही थी। गलती? आज मैं सगाई करने तो यहां आ गया पर उसमें मेरी मां की रजामंदी नहीं थी और शायद आपकी भी नहीं, इसलिए हुई नहीं। मेरी मां को आज एक खत मिला, मेरा लिखा हुआ खत, जो मैंने एक लड़की को लिखा था जो उम्र में मुझसे छोटी है, मेरे ऑफिस में काम करती है। जो बातें मैंने आज तक नहीं कही आज वो सब कहने का वक्त आ गया है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम खुद को कभी किसी और से कम मत समझ, तुम स्पेशल हो, स्पेशल से भी ज्यादा हो। इतनी खूबसूरत दिल वाली कि उस दिल के लिए मेरी फीलिंग्स मैं कभी छुपा ही नहीं पाया। फीलिंग्स कहना शायद पूरा जवाब नहीं होगा कभी। I love you.
चिमटी काटो सर। क्या? चिमटी काटो। ये सच है? I love you too, so I love you too, so I love you too, so I love you too. अपने दिल की सच्चाई तो बता दी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक सच्चाई तो होती नहीं, बहुत सारे सच होते हैं हमारी जिंदगी में। एक सच तो यह है कि हम दोनों के बीच में एक उम्र का फासला है जो सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी।